हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंबई शहर के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के बारे में। किसने इस शहर को, इस बस्ती को बसाने की जरूरत की, और बताएंगे मुंबई की लड़कियों के बारे में, वो कौन सी लत है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रही। साथ ही बताएंगे मुंबई के लोगों की जिंदगी बाकी शहरों की तुलना में कैसी होती है। धारावी दुनिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक तो नहीं है, लेकिन इस सबसे महंगी जगहों में से एक जरूर है। इस स्लम में घर बनाने पर कम से कम 350 लाख रुपए लगते हैं। 7 लाख से ज्यादा आबादी है धारावी के लोगों की। ये तो आप जानते हैं कि मुंबई में 32 अरबपति रहते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इन्हीं की वजह से मुंबई पूरी दुनिया का 6 नंबर का सबसे रईस शहर है। बैंक में बढ़ते बैलेंस के साथ इन रईसों के शौक भी बढ़ते रहते हैं। सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं, बल्कि वो तमाम रईस पैसे वाले लोग, इनमें कोई ना कोई बड़ी बीमारी का होना या उस बीमारी के दौर से गुजरना कोई नई बात नहीं है। जो हसरतें आम आदमी पूरी नहीं कर सकता, वो शौक करना इन लोगों के लिए आम बात है। कमाठीपुरा, लाचारियों की दहलीज पर सजे इस बागी जश्न में खुशियां नहीं बल्कि आक्रोश है, बेइंतहा आक्रोश। इस आक्रोश को कमाठीपुरा की सहमी गलियों तक पहुंचाने से पहले ही महसूस किया जा सकता है। चोर बाजार से कमाठीपुरा को जाता यह रास्ता, और इस रास्ते पर पड़ते लड़खड़ाते कदमों और मचलते जज्बात के साथ पहुंचते लोग अपने दिल की धड़कनों में किसी खतरे की आहट को महसूस करने के बावजूद न जाने किस तलाश में बढ़ते जाते हैं। यहाँ से धंधा चलाने के 4 तरीके हैं। इनमें से एक तरीका है सेक्स वर्कर, डायरेक्ट अपने क्लाइंट से बात कर ले। दूसरा दलालों के जरिए। तीसरा बेहद दर्दनाक है, अंधेरी कोठरियों में बंद कम उम्र की लड़कियों के साथ जबरदस्ती किया जाना। और चौथा है किसी बार या मैखाने में सौदा किया जाना। बेहिसाब रंग रोगन और मेकअप के साथ साथ अलग अलग लिबास और अलग अलग अंदाज में वहां की सेक्स वर्कर दिखाई देती हैं। अपने आप को किसी शोकेश में रखे शोपीस की तरह पेश करती हैं। इन्हें तलाश रहती है ग्राहक की, और ग्राहक को तलाश होती है थोड़े से वक्त में एडवेंचर की। लेकिन सच्चाई ये है कि ग्राहक का एडवेंचर तो खत्म हो जाता है, मगर इन सेक्स वर्कर की जिंदगी एडवेंचर बनकर रह जाती है। एक ऐसा जोखिम भरा एडवेंचर जिसमें शामिल है बीमारियां, शोषण और इस पेशे का सबसे बड़ा दुश्मन बुढ़ापा। देश के बाकी रेड लाइट एरिया में काम कर रही सेक्स वर्कर्स की तरह यहाँ की सेक्स वर्कर की कहानी भी वही है। कोई प्यार में धोखा खा गई, कोई नौकरी के झांसे में आ गई, किसी को घर वालों ने ही इस जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया, तो किसी को दलाल ने पैसा कमाने का यह रास्ता सुझा दिया। यहाँ अंदर आने के दरवाजे अलग अलग हो सकते हैं, मगर निकलने का रास्ता एक भी नहीं है। आराम नगर मुंबई। अंधेरी में बसे आराम नगर को भारत के मीडिया और मनोरंजन के प्रोडक्शन के लिए सिलिकॉन वैली के बराबर दर्जा दिया गया है। ये वही जगह है जहां से बॉलीवुड के दिग्गज और चुनिंदा एक्टर, सिंगर, डांसर, गिटारिस्ट, हर एक आर्टिस्ट बॉलीवुड को मिले हैं। इस 40 एकड़ की कॉलोनी में 30 कास्टिंग एजेंसीज है। यहीं से देश भर से आए आर्टिस्ट अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ते हैं। अरे लगाना, इसके बिना सर्दियों में तेरी स्किन ड्राई हो जाएगी। इससे मेरा निखार गायब हो जाएगा। सर्दियों में तो निखार घटता ही है, फिर इस साल ये कोल्ड क्रीम को ना क्यों? ना इसलिए क्योंकि इस साल मैं अपने निखार को हाँ कहूंगी। Will you available on shoot dates? Yes. Any competitive brand before? No. No to swim? Yes, but I'm not comfortable in the piece. ताज महल। होटल्स तो हजारों हैं मुंबई में, लेकिन कुछ होटल्स का नाम हमारे जुबान पर हमेशा होता है, और कुछ होटल्स का इतिहास दूसरों को बताने का जी भी करता है। ऐसा एक होटल है मुंबई के कोलाबा में, नाम है ताज महल। तुर्किश बाथ और जर्मन एलिवेटर भी इसी महल में है। और तो और, भारत का सबसे पहला और नंबर 1 डिस्को ट्रैक ताज महल में ही है, तो जाइए ठुमके लगा लीजिए आप भी। ताज महल में चाय की कीमत 700 रुपए है, एक दिन रुकने की कीमत 12,000 से 25,000 रुपए है, 3,500 से 7,000 डिनर की कीमत है। कुल मिला के एक मिडिल क्लास आदमी की हैसियत से बहुत ऊपर है ताजमहल। फिर भी जिंदगी में एक बार यहाँ जाने की तमन्ना लाखों लोग रखते हैं। वैसे तो पूरी की पूरी मुंबई ही घूमने फिरने के लिए जबरदस्त है, लेकिन यहाँ कुछ स्टेशन हैं जहां पर लड़कियां खुद को महफूज महसूस करती है। जैसे कि मुंबई का CST स्टेशन, जो पूरी तरह से CCTV की निगरानी में रहता है। इस स्टेशन पर देर रात को लड़कियां पबों में और मरीन लाइन जैसी जगहों में घूमने के लिए निकलती हैं। रात के अंधेरे में अगर कोई लड़की CST के किसी गली से गुजरती है, तो उसे छेड़ने की जरूरत कोई नहीं करता। ये स्टेशन की खासियत है, क्योंकि यहाँ रात भर पुलिस पेट्रोलिंग करती है। मरीन लाइन। CST के मरीन लाइन में पूरी रात लोग चिल करने पहुंचते हैं। यही वो इलाका है जहां कभी रात नहीं होती।
सैटरडे नाइट को यहाँ भीड़ हो जाती है क्योंकि फ्राइडे नाइट को लोग मूवी देखने के बाद यहाँ आते हैं और यहीं पर पड़े रहते हैं। अक्सर यहाँ के लोगों में एक बुरी आदत हमेशा देखी गई है, ये ऑटो कोई बुक करता है इसमें कोई अन्य पैसेंजर नहीं बैठ सकता। इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं और सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी धूम्रपान करती दिखाई देती हैं। सीएसटी के मरीन लाइन का भी यही हाल है। मुंबई के ऑटो वाले खुद को पायलट समझते हैं और इनसे ज्यादा रैश ड्राइविंग पूरे इंडिया में कोई नहीं करता। पैसेंजर को मजा तो आता है लेकिन डर भी लगता है। जुहू बीच, ये मुंबई वासियों के लिए यहाँ आने वाले टूरिस्ट का भी फेवरेट पिकनिक स्पॉट है। सप्ताह के अंत में तो यहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई मेला लगा हो। बीच के पास बहुत से स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स लगे हैं जिनमें भेलपुरी, पानीपुरी, पाव भाजी, बड़ा पाव जैसे स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं। जुहू बीच के निकट रहने वाले स्थानीय लोग यहाँ पर हर रोज सुबह योगा, जॉगिंग और साइकिलिंग से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा फिल्मी सितारों के बंगले नजदीक होने के कारण यहाँ भीड़ लगी ही रहती है। भैरवगढ़ किला, भैरवगढ़ किले के नाम से प्रसिद्ध यह किला ठाणे में एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटक आकर्षण है। किले से इसका नाम देते हुए कोई भैरवी देवी को समर्पित एक मंदिर है। इससे पहले दूसरी शताब्दी में बनाया गया था। शुरुआत में 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा कब्जा किए जाने से पहले बहमनी सल्तनत द्वारा इस पर कब्जा किया गया था। ये किला आज दोस्तों के साथ ठाणे में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है और एक लोकप्रिय ट्रैकिंग गंतव्य भी। फैशन स्ट्रीट की बात करें या चोर बाजार की या फिर धारावी लेदर मार्केट्स की, हर एक जगह शॉपिंग के लिहाज से बहुत खास है। यहाँ आप अच्छी और वैरायटी वाली चीजों की खरीदारी अपने बजट में कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इन शॉपिंग डेस्टिनेशन के बारे में। फैशन स्ट्रीट, यहाँ लगभग 150 स्टॉल्स हैं जहाँ से आप फैशनेबल और ट्रेंडी चीजों की शॉपिंग कर सकते हैं। इस मार्केट में टीनएजर्स की ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। इंडियन से लेकर वेस्टर्न कपड़ों, ज्वेलरी, हैंडबैग्स और दूसरी एक्सेसरीज को भी बजट में खरीदा जा सकता है। धारावी लेदर मार्केट, ये जगह है खास तौर से लेदर के सामानों की खरीदारी के लिए मशहूर है। यहाँ 200 से ज्यादा दुकानें हैं जिनमें लेदर की ही चीजें मिलती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती। बम्बई की लोकल, मुंबई का प्रभावशाली लोकल ट्रेन नेटवर्क हर दिन लगभग 7.5 मिलियन यात्रियों को ले जाता है जो कि इजराइल की पूरी आबादी के बराबर है। इसके अलावा शहर की पश्चिमी और मध्य रेलवे लाइन पर रेलगाड़ी 300 किलोमीटर के साथ 2000 ट्रिप मारती है। जो कोई भी बम्बई की लोकल ट्रेन में सफर कर चुका है उसने भयानक पागलपन का अनुभव किया है जो कि इसकी सुपर भीड़ है। सुपर डांस क्रैश लोड, ऐसे शब्द का इस्तेमाल तब होता है जब किसी ट्रेन को ढोना होता है। 2000 लोगों की ट्रेन में 5000 सफर करते हैं बम्बई की लोकल में। ये तो बात हुई 5 लोगों के लिफ्ट में 50 घुस गए हो। बॉम्बे में ही सबसे ज्यादा आबादी है। यहाँ सुबह के 7 बजे ऐसा लगता है कि 10 बज रहे हो। लोग अपने घरों से ऑफिस के लिए 2 घंटे पहले निकल पड़ते हैं क्योंकि काफी सारे लोगों को 2 घंटे तो इनके ऑफिस तक पहुंचने में लग जाते हैं। 8 घंटे की नौकरी यहाँ 10 से 12 घंटे की लगने लगती है क्योंकि यहाँ के लोगों की ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा करनी पड़ती है कि घर लौटते लौटते रात हो जाती है। मुंबई के लोगों की आधी जिंदगी ट्रैवलिंग में ही कट जाती है। वैसे तो पूरी की पूरी मुंबई ही बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ती है लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ लोग इतने सुकून से नहीं जीते जितने कि भारत के दूसरे शहरों में जीते हैं क्योंकि मुंबई बहुत तेज दौड़ती है मेरे दोस्त। घर से ऑटो या बस पकड़कर लोकल स्टेशन तक पहुंचना, फिर दूसरे स्टेशन पर पहुंचने के बाद पैदल चलकर दोबारा ऑटो या बस के पीछे भागना ताकि समय पर ऑफिस पहुंच सके, यहाँ के करोड़ों लोगों के लिए रोज का काम है। ऐसे कश्मकश में मुंबई के लोग अपनी पूरी जिंदगी काट देते हैं और शायद इसीलिए बम्बई को संघर्षों का शहर कहते हैं।